नमस्कार। जिस तरह कोरोना एक आईएएस अधिकारी और एक आम गरीब आदमी से लेकर नेता अभिनेता तक किसी में कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, उसी तरह से चाहे वो बड़ा आदमी हो, आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो एक गरीब मौलाना हो, वो लोग भी कोरोना को लेकर उतनी ही बेवकूफियां दिखा रहे हैं। वो आप इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में देखेंगे। एक आईएएस अधिकारी की कहानी हम आपको बताएंगे किस तरह से उसने कोरोना को लेकर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की। उससे पहले एक मौलाना की बात कर लेते हैं। जलगांव में एक मौलाना कुछ केले खरीदने निकले अपने बच्चे के साथ और कुछ और सामान खरीदने निकले, और वो बाइक लेकर सड़कों पर बाकायदा वीडियो बनाते हुए एक रिपोर्टर की तरह पूरी रिपोर्टिंग करते रहे। ये कब्रिस्तान आ गया, ये वो जगह आ गई, और बिंदास घूमते हम, नाम है उनका काला दादा। देखिए, देखो पूरी दुनिया यहाँ पर है और ये हम दोनों घूम रहे। देखो बाप, देखो भाई, देखो भाई, ये देखो, ये 40 गांव रोड पे तो जा रहे हैं हम। कोई नहीं दादा, कोई भी नहीं, एकदम आराम से घूमो फिरो दादा, ऐश करो। कितने छुट्टे थे, बार बार थोड़ी मिलते दादा, कभी कभी मिलते, छुट्टिया टेंशन नहीं, एकदम बढ़िया काम जादू है। अभी देखो थोड़ी देर में ना, देखो ये कब्रस्तान आ गया। ये देखो हमारे गांव की कब्रस्तान है, ये 40 गांव रोड की कब्रस्तान पे आ गई। देखो ये भी लेकर खुद आया, ये कब्रस्तान, ये कब्रस्तान के पास में जा रहे हैं हम, घूम रहे हैं, बिंदास घूम रहे हैं दादा। कोई टेंशन, क्योंकि अपना नाम ही काला दादा है, तो भी क्या टेंशन लेने का। यहाँ तक तब भी ठीक था। अब एक दूसरा वीडियो आप देखेंगे कि जिस पुलिस को वो अपने वीडियो में दिखा रहे थे उसने धर दबोचा, तो यही मौलाना माफी मांगते नजर आए। देखिए, ये वीडियो गलती से निकल गई, मैं डिपार्टमेंट की बहुत इज्जत करता हूँ, मैंने जो भी किया मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ, और यहाँ के सर से मैंने माफी मांगा, मैंने खुद मेरे आप को गौरव डिपार्टमेंट के हवाले किया, और अंदर ही गलती नहीं होगी। मैं कान पकड़ता हूँ और डिपार्टमेंट की इज्जत करता हूँ, और दुनिया के अंदर जो भी लोग हैं, मेहरबानी करो जो गलती मैंने की वो मत करो आप लोग, और घर के बाहर निकलो मैं 24 घंटे ड्यूटी बजा रहे, लोग अपने लिए कर रहे, मैं से गलती हुई आप लोग गलती मत करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये थे मौलाना साहब, गरीब आदमी थे, लेकिन अब सोचिए, ये तो अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी हमारे देश में, एक आईएएस ऑफिसर, हाल ही में आईएएस ऑफिसर बना होगा, केरल के कोल्लम में सब कलेक्टर तैनात हुआ, वो सिंगापुर एक हफ्ते रहकर आया, और लौट कर आया जब, तो उसको कहा गया कि होम क्वारंटाइन करिए, अपने घर पर रहिए, कोल्लम का सब कलेक्टर अनुपम मिश्रा, लेकिन उसने सबको धधा बना दिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए वो अपने होम स्टेट यूपी, अपने होम सिटी कानपुर, बिना किसी को बताए घर पर आ गया, और फिर 21 दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया। वो 21 मार्च को कानपुर लौटा था, अब वहाँ के कलेक्टर ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया है, यूपी गवर्नमेंट को सूचित कर दिया है, और कहा है कि 3 हफ्ते तक उसी घर में इसको आइसोलेशन पर कानपुर में रखा जाए। लेकिन इससे जिसको ये खबर मिल रही है, मौलाना को तो एक बार वो मजाक में माफ भी करता है, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर को जो इतना पढ़ा लिखा होता है, पूरा देश संभालना होता है एक दिन उसको, वो ये हरकत करेगा, उससे ये मैसेज जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना किसी को भेदभाव नहीं कर रहा है, उसी तरह लोग भी कोरोना को लेकर बेवकूफियों में कोई भेदभाव नहीं रख रहे हैं। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इंडिया न्यूज़। जय हिंद और इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।